अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। और आज की रेसिपी बहुत टेस्टी बनने वाली है और सब बड़े मज़े से खाते हैं, और वो है बिरयानी। और बड़ी मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी आज बिरयानी बनने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। मैं एक बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल ले रही हूँ, ठीक है। ऑयल गर्म होने लगेगा तो फिर मैंने ये देखिए ऑयल खड़खड़ाने लगा है, ठीक है। और ये है 1.5 पाव प्याज है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। स्लाइस कटिंग की हुई है, कोई रफली कटिंग की है, कोई स्पेशल कटिंग नहीं है। इसको हमने जस्ट ब्राउन करना है, देखिए ऐड कर दिया। और इसको हमने हिलाते जाना है, और इसको हमने क्रिस्पी से ब्राउन प्याज हमने जैसे बिरयानी के लिए रेडी करते हैं उस तरह से रेडी करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्याज, तो मैं आपको ब्राउन करके दिखाती हूँ जी। तो अब मैं मैरिनेशन करूँगी, और उसके लिए मैंने चिकन लिया है, 1.5 किलो चिकन है, ये ऐड कर देते हैं एक बाउल में। ये हमने चिकन निकाल लिया, इसका पानी नहीं हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आप पहले धो लेंगे, और उसके बाद 1 पाव दही ऐड करेंगे, ठीक हो गया। और ये है पैकेट बिरयानी का, आपने 3 पैकेट लेने, छोटे वाले हैं, ये ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि इसमें भी नमक ऐड है, और हमारी हल्दी है, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देते हैं। और इसको हम मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख लें, चाहे आप बाहर रख लें, कोई इशू नहीं है। और इससे ये होगा कि टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, देखिए, और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसकी जगह पे आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं, जैसे अब ईद आ रही है तो आपका मन करे कि आप बीफ की बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, तो सेम यही मेथड होगा। और उसमें बस ये होगा कि आपने पपाया यानी कि पपीते का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देना इसमें, और वो ना मिले तो कचरी पाउडर ऐड करिएगा। और उसको फिर आपने मैरिनेशन के लिए 1.5 घंटे के लिए रख देना है, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। चिकन तो मैरिनेशन के लिए रख दिया है, मैं दूसरी तरफ आपको प्याज दिखाती जाऊँ। ये देखिए हमारे प्याज इस कंडीशन को पहुंच गए हैं, मज़ीद हमने इसे और भी फ्राई करना है ताकि इसका ब्राउन कलर प्यारा सा आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और हमारी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है इंशाल्लाह। तो आप देखते जाइए सारी वीडियो। ये देखें हमारी प्याज बहुत ही ज़बरदस्त सी सुनहरी हो गई है, बहुत प्यारा कलर आया है, इस तरह का हमें रिक्वायर्ड है। ये हमने प्याज अब एक बर्तन में निकाल लेने, आप टिश्यू पेपर लें और उस पर रखें, और ये बहुत ही क्रिस्पी से बन जाएंगे, इसका ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बड़े ड्राई हो जाएंगे। थोड़े खोल के रखें, और फिर आप किसी भी चीज़ में ऐड भी कर सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बिरयानी बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे एक प्लेट में ही निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखें इतने से मैं इसमें रख रही हूँ, और ये हम अपनी जब बिरयानी की तह लगाएंगे फिर ऐड कर लेंगे। और जो मैरिनेशन किया हुआ था ना चिकन, इसको 1 घंटा हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे कुक कर दें। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे है 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट,
और 3 है हरी मिर्ची, ठीक है, उन्हें मैंने कूट लिया है। इसे दरदरा सा आपने करना है। और ये 2 हैं टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और हमने इसको कुक करना है इतना कि इसका ये जो पानी है चिकन का ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छा सा गल जाएगा, मसाला इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं अब कवर कर देती हूँ, तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम हिलाते भी रहेंगे दरमियान में। और इसमें नमक इतना ऐड होना चाहिए कि आप जब टेस्ट करें तो आपको थोड़ा सा आम रूटीन में खाने से थोड़ा सा ज़्यादा लगे। इससे ये होगा कि हम जब इसमें राइस ऐड करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। देखें, मैं इसे कवर कर रही हूँ और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और कवर उतार कर हम हिलाते जाएंगे दरमियान से। 10 मिनट हो गए, मैं अंदर से हिला रही थी बार बार। देखें, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो आप घी में पसंद करते हैं तो आप उसमें बना लें, मैं ज़्यादातर राइस ऑयल में बनाती हूँ। ये देखें, हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये हमारी चिकन रेडी हो गई, ठीक है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और राइस तैयार करते हैं। ये एक बर्तन ले रही हूँ मैं, खुला बर्तन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे जी, नमक ऐड करना है, वो हमने खुला ऐड करना है। इस तरह के हमारे राइस में नमक बिल्कुल ठीक हो। तकरीबन मैं 3 से 4 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और पानी को हमने गर्म होने देना है। अच्छी तरह से पानी जब बॉयल होने लगेगा ना, फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं 3 तेज़पात ऐड कर रही हूँ, तेज़पत्ते, और इसके साथ ही आप देखें बॉयल आने लगा ना पानी में, इसमें अब मैं राइस ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे राइस ऐड हो जाएंगे इसमें। अच्छी तरह से राइस हमने बॉयल करने हैं, बिल्कुल हमने फुल कुक करना है, मैंने कोई एक करनी नहीं रखनी। ऐड कर देंगे सारे राइस और इसे बॉयल कर लेंगे हम जल्दी से। और ये हम ऊपर कवर दे रहे हैं, इसको अच्छी तरह साथ मिक्स करेंगे, कवर दे देते हैं, थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि हमारे राइस गिरे ना। अच्छी तरह से बॉयल करके निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी तह लगाएंगे, मैंने राइस बॉयल कर ली, इसमें थोड़े से राइस हैं। पहले हमने इसको लगानी है चिकन की तह। देखिए, मैंने चिकन की लेयर लगा दी और वो लेयर ऐसे है कि हाफ चिकन मैंने ऐड किया इसमें। बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है और ये बिरयानी बहुत जल्द बनने वाली है और इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी जल्दी बनती है। अभी मैं राइस की एक लेयर लगा रही हूँ, ठीक है। ये ज़बरदस्ती हमारी लेयर लग गई, इसे ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आपके राइस कैसे रेडी हुए हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत जल्द बनने वाली है। ईद के मौके पर इतना टाइम कहाँ, सब गेस्ट आए होंगे, आप झटपट बनाएं और बनाने के बाद आप इसे सर्व करें सबको। और ये जो तेज़पत्ता नज़र आ रहा है आपको, ये आप निकालते जाएँ, जो बॉयल करते हुए हमने ऐड किया था। ये लगा दें लेयर, ये देखिए राइस की लेयर लग गई। और अब मैंने तकरीबन 1/2 कप इमली ली थी, उसको मैंने सोक कर लिया थोड़ी देर के लिए, मैंने भिगो के रख दिया। उसकी आप गुठली निकाल लेंगे, ये सारी इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़े से हम पुदीने के पत्ते ले रहे हैं, तकरीबन 18-20 पत्ते हैं। और ये जो हमने फ्राई की अनियन थी ना, थोड़ी सी मैंने रख दी थी ना, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए मैं रख रही हूँ। और इसके साथ ही ये है लेमन, बहुत ज़बरदस्त, ये हम लेयर लगा देंगे लेमन की प्यारी सी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है। ये लेमन लग गई। और एक और ज़रूरी बात है कि जो ज़रदा कलर है ना, एक मैंने डार्क कलर लिया है गहरा रंग और दूसरा मैंने लिया है लाइट कलर का। दोनों तरह के हम ऐड करेंगे, एक जगह पे ऐड कर देंगे, आप कहीं से भी ऐड कर दें। ये एक हो गया,
ये दूसरा कलर आ गया, ये ऐड कर देंगे। देखिए कितनी जबरदस्त लुक आई है। और ये बाकी का चिकन भी ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक हो गया। अब ये बाकी के राइस ऐड कर देंगे, छलनी में मैंने डाल दिए थे। इससे होता है कि अच्छी तरह से पानी निकल आता है। ये देखिए हम कवर कर दिया और इस तरह चम्मच के साथ हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप यकीन जानिए बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर हम थोड़ा सा कलर लगा देंगे। और अब हमने क्या करना है जी, इसको कवर कर देना है बिल्कुल 5 मिनट के लिए। वो इसलिए कि जस्ट थोड़ा सा पानी, राइस, चिकन और ये सारे मसाले ऐड हो जाएं। और क्योंकि राइस हमारे बिल्कुल कुक्ड है इसलिए हमने इसे ज़्यादा दम नहीं लगाना। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए जी, 10 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल हल्की सी आंच पे रखना है, दम वाली कंडीशन में। बिल्कुल इसे हमने कुक नहीं करना, कुक्ड है ये, याद रखिएगा। हाँ जी, 5 मिनट दम के हो गए, हम इसे कवर उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स मिक्स करते हैं और फिर इसे डिश आउट करेंगे। मैं इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी आई जी। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है सारी। ये देखें, अब मैं इसको प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त इसकी कर रही हूँ, जो मैंने थोड़े से रखे थे रेडी करी हुई राइस और ये थोड़े से पुदीना। हमारी मज़े की ये रेसिपी रेडी हो गई है, आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी तरफ़ से आपको एडवांस ईद मुबारक। और आप मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं जो मैंने ईद के लिए स्पेशल रेडी की हैं। ठीक हो गया, ये आप देखें क्या ज़बरदस्त हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे दे इजाज़त इस सपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।